कोरोना मामले में शहबाद इन दिनों हॉट सीट पर बैठा हुआ है। स्थिति खराब होती जा रही है। लगातार नए कोरोना पॉजिटिव मरीज शहबाद में निकल रहे हैं। बिहार में 450 का आंकड़ा पार हो चुका है। शहबाद में चार जिला आते हैं, पहला भोजपुर, दूसरा बक्सर, तीसरा रोहतास और चौथा जिला है कैमूर। बिहार के लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे पहले हम बक्सर जिले की बात कर रहे हैं। बक्सर जिला इन दिनों हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा बक्सर के लोग काफी डरे हुए हैं। बक्सर की बात करें तो नया भोजपुर इलाका फिलहाल हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां लगातार मरीज मिलते जा रहे हैं। आज फिर 11 मरीज मिले हैं, यानी बक्सर का यह आंकड़ा 51 पहुंच गया है। यह बड़ी खबर सामने आई है। बक्सर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सिर्फ बक्सर ही नहीं, रोहतास जिले की भी हालत काफी खराब बताई जा रही है। रोहतास में भी आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है। रोहतास के सासाराम में 6 मरीज मिले हैं। 6 मरीज में से 4 पुरुष हैं, जबकि 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाएं कम उम्र की, 22 और 30 साल की हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। यह काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। जानलेवा महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सासाराम रोहतास के लोग भी काफी डरे समय हैं, क्योंकि अभी तक इनके यहाँ का एक भी मरीज स्वस्थ नहीं हुआ है। संक्रमण इनके मरीजों में है, हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर सामने आई है, दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। दूसरी ओर कैमूर की हम बात करें तो कैमूर भी अछूता नहीं। इसके तार बेगूसराय आदि अन्य स्थानों से जुड़े हैं। कैमूर में 2 दर्जन यानी 24 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ शुक्रवार को यहां से 6 मरीज मिले हैं। शाम को और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब चलते हैं आरा की तरफ। आरा में भी शुक्रवार को 1 मरीज मिला है, वह भी पकड़ी नाला मोड़ का रहने वाला 46 वर्षीय व्यक्ति है। इस तरह यह 12वां मामला भोजपुर में है। 12 लोग अब तक भोजपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 4 महिला भी शामिल हैं। भोजपुर से 1 मरीज भी ठीक हो गया है। प्रशासन बार बार लगातार आग्रह कर रहा है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कई लोगों पर यह प्रभाव नहीं पड़ रहा है।